भले तुम कोई लड़का हो या लड़की, अगर तो आपका चेहरा टैन हो चुका है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा स्किन केयर रूटीन बताने वाला हूं जो कॉफी बेस्ड प्रोडक्ट से होने वाले हैं, जो मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम एम कैफीन के टॉप 3 ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मैं बताने वाला हूं जो टैन रिमूव करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। मैं इसको खुद पर्सनली यूज कर रहा हूं यार। अभी आपने मेरा अगर नॉर्थ इंडिया का व्लॉग देखा था या अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि मेरा पूरा एक नॉर्थ इंडिया का ट्रिप मार के आया हूं। चेहरा बुरी तरह टैन हो चुका है। अभी जो हालत देख रहे हो थोड़ा बेटर हुआ है कंपेयर टू जो अभी पिछले हफ्ते तक चल रहा था, प्लस अभी और भी आगे काम करना बाकी है। ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे यूज करना है। हम इसको डिवाइड करेंगे रेस्ट डेज एंड एक्टिव डेज में, इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, आपको सब बताऊंगा, इंक्लूडिंग इसके ऊपर एक डिस्काउंट भी चल रहा है, सारी सब चीजें वीडियो में आगे, तो वीडियो पूरा देखो। जल्दी से नीचे कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि आपका स्किन टाइप क्या है, ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव डेज को। एक्टिव डेज का मतलब होता है जिस दिन आपने आप चेहरे को ना धूल मिट्टी धूप से एक्सपोजर दे रहे हो। सबसे पहला काम आपको ये करना है उठने के बाद कि भाई अपने चेहरे को आप वॉश कीजिए, धोइए। जिंदगी में ना बिना मुंह धोए तो कहीं भी मत जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं नहीं कह रहा हूँ नॉर्मल वाटर वॉश करने या कोई फोम यूज करना है, कोई क्लेंजर यूज करना नहीं, बिकॉज आपका चेहरा टैन है तो आप यूज करेंगे एक एक्सफोलिएंट, एक स्क्रब यूज करने वाले। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप यूज करें एम कैफीन का कॉफी बेस्ड स्क्रब मिक्स्ड विद विटामिन ई। भाई देखो कॉफी के काफी ज्यादा स्किन बेनिफिट है। एम कैफीन के फेस वॉश के ऊपर मैंने पहले भी काफी वीडियो में डाले, अगर आपने नहीं चेक किया तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में देख लेना। तो देखो यार कॉफी बेस्ड स्क्रब यूज करने के काफी बेनिफिट्स होते हैं। वो आपको डी टैन के लिए हेल्प करेगा, एक्सफोलिएट करेगा आपके चेहरे को, पिगमेंटेशन ठीक करेगा, डिस्कलरेशन, अगर आपको एक्ने उसके मार्क्स को भी रिड्यूस करेगा। कॉफी के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है, एंड ऑब्वियसली विटामिन ई आपके स्किन के लिए तो अच्छा है ही। अब कॉफी बेस्ड स्क्रब एम कैफीन का मैं पर्सनली अब 1 महीना हो चुका यूज कर रहा हूं। प्लस इसकी जो रूटीन में कैसे इसको ऐड करना है कि भाई आप सुबह उठ के एक बार अपना फेस वॉश करेंगे एंड रात को सोने से पहले भी आप एक बार फेस वॉश करने वाले हैं इसी से। नाउ इसमें एक क्राइटेरिया और ऐड हो जाता है, अगर तुम कोई हो जो काफी ज्यादा फील्ड पे हो, अब तुम कोई यंग एडल्ट हो यार, मार्केटिंग में ऑपरेशन में काम कर रहे हो, आपको भाई ऑन फील्ड रहना है, भाई मेरा सजेशन ये रहने वाला है, ये वाले फेस वॉश को अपने साथ बैग में कैरी करो और भाई काम पे जाओ। भले तुम बाइक से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, बस में, ट्रेन में, अपने साथ कैरी कर लो, बिकॉज अगर तुम मीटिंग में जस्ट घुसने वाले हो और तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा एकदम ही खराब लग रहा है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी, इट विल नॉट लुक गुड। इसलिए आई वुड सजेस्ट एज ऑफ नाउ, बिकॉज चेहरा टैन है तो भाई कॉफी बेस्ड स्क्रब जो है इसको अपने साथ कैरी करो। अगर मान लो तुम्हारा चेहरा उतना टैन नहीं है तो एम कैफीन का कॉफी फेस वॉश भी आता है, आप वो भी कैरी कर सकते हैं। ये कॉफी बेस्ड स्क्रब को यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। अपने चेहरे को पहले गीला कर लीजिए पानी से, उसके बाद आपको जितना वॉल्यूम जरूरी है आपके चेहरे के लिए उतना यूज कीजिए, स्क्रब कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes। और आपके चेहरे पे कहां पर भी अगर जो जर्म्स है, जहां पे एक्सफोलिएट करने की जरूरत है, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, उस पर अच्छे से आपने मसाज कर लिया, उसके बाद नॉर्मल विथ वाटर आप उसको वॉश कर दीजिए, आपका काम हो गया। याद रख लीजिए आपने चेहरे को एक्सफोलिएट कर रहे हैं वैसे आपके स्किन के पोर्स थोड़े से ओपन अप हो जाते हैं, इसलिए कोल्ड वाटर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राइसिंग के हिसाब से बात करो दोस्तों तो अभी आपको पड़ेगा 279 rupees के लिए, एंड इसके ऊपर भी आपको थोड़ा और डिस्काउंट पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो बन रहा है दिवाली के टाइम पे, तो आपको कुछ दिवाली ऑफर भी मिल जाएंगे। पर इरिस्पेक्टिवली अगर आप ऑफर के बाद भी खरीद रहे हैं तो हमेशा एम कैफीन के प्रोडक्ट्स पे कोई ना कोई ऑफ लगा रहता है, उसका जो डायरेक्ट लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट जरूर करो एंड मंगाओ अगर आपका चेहरा टैन है। स्टेप 2 में भाई आपका काम यह है कि आप यूज करने वाले एम कैफीन का कॉफी बेस्ड सिरप। अब देखो कॉफी बेस्ड सिरप यूज करने के 2 तरीके होते हैं। इधर आपने सुबह जब अपना फेस वॉश किया है उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए, पर याद रखिए अप्लाई करने के बाद अपना चेहरा आप वॉश नहीं कर सकते, इससे आपके चेहरे पे मिनिमम 5 hours तो होना ही है। अगर आप मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको गलती से धो दोगे, आप भूल जाओगे या कुछ भी हो सकता है, देन इसको आप रात को अप्लाई करो। मैं पर्सनली इसे रात को अप्लाई करता हूँ, सोने से 2 to 3 घंटे पहले इसको अप्लाई करता हूँ, अच्छे से मसाज करता हूँ लगाने के बाद अपने चेहरे पे, एंड देन सो जाओ। सीधा अगले दिन उठने के बाद कॉफी फेस स्क्रब यूज करो एंड इसको वॉश कर दो। अगर आप इसको दिन में एक बार भी अप्लाई करोगे ना एंड रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो फॉर 7 days, भाई आपको उसके अंदर 7वां दिन खत्म होने के बाद आपको डिफरेंस फील होना शुरू होगा। आपकी जो स्किन है ना वो आपको ज्यादा कहते हैं ना हाइड्रेटेड फील होगी। देखो यार कॉफी बेस्ड प्रोडक्ट है तो आपको उस पिगमेंटेशन की बात करो या कोई डार्क स्पॉट की या इवन डार्क सर्कल की, ये तीनों चीजों में फाइट करने के लिए हेल्प करता है। वही कहते हैं ना दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग कॉफी बेस्ड प्रोडक्ट। एक एडिशनल चीज और मैं कहूंगा जो इन अ वे मेरे तरफ से ना एक पॉइंट है टू एम कैफीन कि भाई आपके दोनों प्रोडक्ट में जो बेसिकली आपका कॉफी बेस्ड स्क्रब है एंड इवन फेस सीरम, दोनों में से जो ये हेजलनट कैरामेल की फ्रेग्रेंस आती है ना, आई लाइक इट अ लॉट। एंड अगर तुम कोई हो जिसे इस टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद आ रहे तो भाई आपको भी ये दोनों प्रोडक्ट काफी अच्छे लगेंगे, सूथिंग लगेंगे, खाना नहीं है। पर प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कॉफी बेस्ड सीरम जो है आपको पड़ जाएगा फॉर 516 rupees। एज आई सेड सेल तो चलती ही रहती है, इसका जो डायरेक्ट सेलर का लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट जरूर करो। तो भाई आपके एक्टिव डेज खत्म हो चुके हैं, अब बात करते हैं रेस्ट डेज के लिए। भाई रेस्ट डे में आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप अप्लाई करेंगे एक कॉफी बेस्ड मास्क। अब कॉफी बेस्ड मास्क में आपको वही
एम कैफिन का कॉफी बेस मास्क यूज करना है। ये कॉफी बेस मास्क की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइफ के सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, आपके चेहरे को अच्छे से डिटैन कर देता है। विजिबल रिजल्ट मिलने के लिए ऑब्वियसली आपको उसको यूज करना पड़ेगा फॉर 1 to 2 months प्रॉपरली। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस मास्क इज कि आपका चेहरा जो है ना काफी ज्यादा हाइड्रेटेड फील होगा, मॉइस्चराइज फील होगा, लाइक आपका चेहरा स्मूथ फील होना शुरू हो जाएगा। लगाने का जो तरीका दोस्तों एकदम सिंपल है, आपको हल्का सा लेना है, अपने स्किन पे अप्लाई करके उसको इवनली स्प्रेड आउट कीजिए, जहां आपका पूरा चेहरा है उस पर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको बियर्ड है, अगर बियर्ड मेरे लेंथ की है कोई टेंशन नहीं है, पूरे बियर्ड रीजन पे लगा दीजिए, कवर कर लीजिए। अगर आपकी बियर्ड बड़ी है आपको वॉश करने के लिए हेडेक होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रबल है तो अपने बियर्ड रीजन को आप अवॉइड कर सकते हो। पर बियर्ड रीजन पे अगर लगा भी रहे हो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके स्किन के लिए कॉफी अच्छी है, मैं आपको फिर बता देता हूं। आप इसको अप्लाई कर चुके हो, 15 मिनट छोड़ दो, उसको सूखने दो, अपना काम करने दो। इसके बाद आपको बस इतना करना है कि नॉर्मल वाटर से या कोल्ड वाटर से इसको वॉश ऑफ करेंगे अच्छे से स्क्रब आउट करते हुए, एंड आपका काम हो गया। याद रखना इसको वीक में आप एक बार करोगे अच्छा है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है आप दे सकते हो उतना टाइम, तो वीक में 2 बार यूज करो फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। प्राइसिंग के हिसाब से बात करो दोस्तों तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ जाएगा ले देके 400 रुपए का, पर अगर कोई सेल में ले रहे हो तो हो सकता है और कम पड़ जाए। इसका जो लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट जरूर करो। अब एक बोनस पॉइंट और बताऊंगा सिर्फ उन लोग के लिए जिनका बॉडी भी टैन हो चुका है। भाई देखो अगर आपका बॉडी टैन हो चुका है ना तो एम कैफिन के साथ 2 प्रोडक्ट है जो आपको टैन रिमूव करने के लिए हेल्प करेंगे। पहला है एम कैफिन का कॉफी बेस्ड बॉडी स्क्रब, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक कर दूंगा, कार्ड्स में डाल दूंगा, डेफिनेटली चेकआउट करना। ये प्रोडक्ट एम कैफिन का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक मैं जेन्युइनली बोल रहा ना, ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने एम कैफिन का ट्राई भी किया था, बहुत अच्छा है, टैन रिमूव करने के लिए काम आएगा। याद रखना उसको नेक के नीचे यूज करना है, फेस पे वो प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, नेक एंड बिलो पूरा यूज करो, परफेक्ट है, उसमें भी आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं मिनिमम 2 मंथ्स में। और जो प्राइसिंग है उसकी वो भी ले देके कुछ 400 रुपए के अप्रॉक्सीमेटली है, अभी थोड़ा सेल भी चल रहा है तो हो सकता है और कम हो जाए, नीचे लिंक डाल के रखिए जाके देख लीजिए। दूसरा एक काम आपको डेफिनेटली करना है अगर तो आप वो कॉफी बेस्ड स्क्रब को यूज कर रहे हो अपने बॉडी पे, कि आप लगाएंगे एक बॉडी लोशन। बॉडी लोशन में एम कैफीन का कोको बॉडी लोशन जो है बहुत अच्छा है, मैं उसको आज भी लगाता हूं भले मैं स्क्रब यूज करूं कि नहीं यूज करूं, बस स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर देता है। लगाने का तरीका तो कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अपने बॉडी के हिसाब से थोड़ा बड़ा अप्लाई करना है, उसको स्प्रेड आउट कर लो इवनली, काम हो गया, अच्छे से नेक पे लगाओ, बिकॉज यार देखो नेक वाला जो रीजन है ना बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है, नेक आपके जो आर्म्स होते हैं ये काफी एक्सपोज रीजन होते हैं, तो उन पे तो अच्छे से आपको अप्लाई करना चाहिए, सो दैट वो जो कोटिंग की जो परत है वो बढ़िया रहे। अभी देखो दोस्तों विंटर का भी टाइम आने वाला है बहुत जल्दी, बॉडी लोशन तो मैंडेटरी है आपको अप्लाई करना ही है, भले वो विंटर स्किन केयर हो समर स्किन केयर हो, आपको हमेशा एक बॉडी लोशन अप्लाई करना चाहिए, आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहता है, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। वैसे मैंने पहले ही बताया हुआ यार ये जो कान के पीछे का एरिया होता है नेक होता है ये काफी इजीली डैमेज हो जाता है, यहाँ की जो स्किन होती है ना इसकी जो परत होती है काफी पतली होती है, इसलिए इसको जितना प्रोटेक्ट करके रखोगे मॉइस्चराइज करके रखोगे हाइड्रेट करके रखोगे ना आपके स्किन के लिए अच्छा है। याद रखो ये पूरा रूटीन आपको मिनिमम 2 मंथ्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आपको विजिबल रिजल्ट देखने हैं। और ऑल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्किन केयर रूटीन है, ये सारे प्रोडक्ट रिव्यूज आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दो, वरना ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहां मुझे फॉलो करके डीएम कर दो। अगर इंस्टाग्राम पे आपको लग रहा है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई कर रहा हूं तो भाई देखो ये अपना स्नैपचैट है, ट्विटर है, फेसबुक है, भाई मैं हर जगह एक्टिव हूँ, तुम्हारा मन जहाँ करे तुम आ जाओ मुझे वहाँ पे फॉलो करके मैसेज करो, बस थोड़ा टाइम तो आपको यार देना ही पड़ेगा बिकॉज मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ, वक्त जाता है भाई साहब। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालिए, मुझे टैग कीजिए, मैं आप में से कुछ लोगों को शाउट आउट भी दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, आप लोग जहाँ पर रहे सेफ रहे सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए, मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ और कमाल के वीडियोज के साथ, तब तक के मेरे डूडामी बाय।